आज के इस वीडियो में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड पेपर का सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। ये बोर्ड पेपर मार्च 2020 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उसका सोल्यूशन है, और आज 1 अप्रैल को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई डैश, तो फर्स्ट का आंसर है ए, जेम्स ऑगस्टस हिकी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर MCQ के अंदर आपको पूरा आंसर लिखकर फिर उसको अंडरलाइन करना होता है। मैथ्स और साइंस में आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन लिखते थे, बट हिस्ट्री में पूरा आंसर लिख उसको अंडरलाइन करना होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसका आंसर भी था ए, अलेक्जेंडर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज एट डैश कोलकाता, तो इसका नाम है इंडियन म्यूजियम। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 3 MCQ प्रॉपर लिखे हैं तो यू कैन स्कोर हियर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट। तो रॉन्ग पेयर के अंदर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इसके अंदर करेक्ट आंसर था 3rd इब्ने बतूता इंडिया, तो ये रॉन्ग पेयर आपको चूज करना था और रीराइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर था 4th ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ओके, अटिया पटिया इंडोर गेम्स, क्योंकि ये आउटडोर गेम्स हैं। और 3rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बहु महाजन, तो ये 3 आपको सही से ढूंढ के लिखना था, रॉन्ग पेयर कौन कौन से है। नेक्स्ट, इसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, तो ये जो कंसेप्ट मैप आया था ये पूरा के पूरा टेक्स्ट बुक के बीच से पूछा गया था, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, इतना इजी नहीं था ये कंसेप्ट मैप। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके आंसर्स के हम लोग वो चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला जो आंसर है, यहाँ पे ईयर पूछा हुआ है, तो इसका जो ईयर था वो है 1876। अगर आपने यहाँ पे 1876 लिखा है तो आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड वन का आंसर है भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र घोष, तो 2 भारतवर्षीय प्राचीन यहीं पे लिखा हुआ था और चरित्र घोष, तो ये 3 चीज़ यहाँ पर आएगी, भारतवर्षीय प्राचीन और चरित्र घोष। ठीक है, 3rd वन का एज था 1937, यहाँ पे है 1937। और लास्ट वन का था भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र घोष, तो यहाँ पे प्राचीन की जगह पे खाली अर्वाचीन आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था MCQ ऑब्जेक्टिव के अंदर। ओके, देखो यहाँ पे क्या आएगा, भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र घोष आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र घोष। ओके, और एज तो जो ईयर दिया हुआ 1876 और 1937, इस तरह से ईयर आएगी। आ गया थे हम लोग कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, तो ये तो बहुत सिंपल सा था, यहाँ पे खाली स्पोर्ट्स के लिए पूछे गए हैं आप लोग को, तो कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आप लोग लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट आप लोग लिख सकते हो, क्रिकेट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, फुटबॉल आप लोग लिख सकते हो। अगर कोई भी करेक्ट आपने लिखे है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। वॉलीबॉल लिख सकते हैं आप लोग, वॉलीबॉल भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। टेनिस लिख सकते हैं आप लोग, हॉकी लिख सकते हैं, चेस लिख सकते हैं आप लोग, तो इस तरह से कोई 4 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लिखना है आपको। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, कुछ मैं आपको लिख के दिखा था अभी समय पहले। यहाँ पे एंशियंट साइट्स क्या आ सकता है, एंशियंट साइट्स, तो पहला ऑप्शन है एंशियंट साइट्स। ओके, एक और अगर यहाँ पे लिखना है तो आर्टिफैक्ट्स एक आएगा, आर्टिफैक्ट्स, इससे आपके टेक्सचुअल आंसर्स लिखा रहे हैं आपको। फिर नेक्स्ट एक पेंटिंग्स आएगा, पेंटिंग्स, और एक आ सकता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, नीचे यहाँ पर आएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, या फिर आप लोग स्कल्पचर्स भी लिख सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऑप्शंस में था।
ठीक है, तो जो भी आपने लिखे टेंजेंट कल्चर हेरिटेज के ऊपर जो टेक्सचुअल से रिलेटेड है यू विल गेट 2 मार्क्स देयर। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट शॉर्ट नोट है सबल्टर्न हिस्ट्री, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बाकी जो जो क्वेश्चन थे वो टेक्सचुअल नहीं थे, टेक्स्ट बुक के 20 से आए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ने यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं किए, बट वोल्टेयर का टॉपिक तो ईजी था, वो आपको अटैम्प्ट कर लेना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन्स एनी टू, तो वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेशनल कल्चर हेरिटेज, ये भी इजी क्वेश्चन था। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, ये सब इजी क्वेश्चन थे और ये बोर्ड में पहले पूछे जा चुके। नेक्स्ट जो पैसेज आया था टेक्स्ट बुक का वो काफ़ी इजी था, क्योंकि पैसेज के डायरेक्ट आंसर आपको रीड करने पर नीचे मिल जा रहे थे, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप लोग पैसेज रीड करके आप लोग डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहे थे वहाँ पे। यहाँ पर जो ब्रीफ आए हैं वो भी इंडोर एंड आउटडोर गेम का ब्रीफ कितने बार बोर्ड ने पूछा गया था, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने चैनल पर अपलोड किए थे उसमें भी क्वेश्चंस थे, तो वहीं से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट, तो उसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब, तो इसका आंसर था गोंड, GONDB बी ऑप्शन था इसका आंसर। अगर ये सब अपने MCQ किए प्रॉपरली तो यू कैन स्कोर 18 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव आपका 18 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, तो फर्स्ट का आंसर ट्रू था, सेकंड का आंसर फॉल्स था, और थर्ड का आंसर ट्रू था, तो सिर्फ अगर ट्रू फॉल्स अगर आप लोग लिख रहे हैं तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क्स, अगर आपने प्रॉपर स्टेटमेंट भी वहाँ पे लिखा है देन ओनली यू विल गेट फुल 2 मार्क्स ईयर, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के फिर कंक्लूड करना था। राइट द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो मल्टी पार्टी सिस्टम और वाटर रेवोल्यूशन दोनों ही ईजी टॉपिक्स है, अगर आपने स्टडी करके गए तो आप लोग उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसे चेक कर लेते हैं। पहला आएगा फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, सेकंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, थर्ड इलेक्शन कैंपेन, और फोर्थ एक्चुअल वोटिंग। तो इतना भी अगर आप लोग लिखते हो प्रॉपरली, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इतना लिखेंगे तो चलेगा, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन एंड एक्चुअल वोटिंग, करेक्ट आंसर एकदम, और लास्ट में आपका काउंटिंग ऑफ वोट्स। जो कंसेप्ट मैप है उसको पेन से बनाना कंपलसरी है, और जिस तरह का डायग्राम दिया गया, अगर रेक्टेंगल दिया है तो अगर आप लोग सर्कल बनाते हो या ट्राइंगल बनाते हो तो आपके मार्क्स वहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र दिया गया है, तो ये क्वेश्चन 20 से दिया गया था टेक्स्ट बुक के, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं था एक्सरसाइज के अंदर, और बच्चे ने यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे आज बोर्ड के अंदर, जो नेशनल पार्टीज लिख के आ गए हैं, तो इसके अंदर जो आपको नेम पता है उसमें से एक ही नेम आ सकता है यहाँ पे, जो आपको पता है उसमें है वो शिवसेना, तो शिवसेना जो है रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र की, तो ये नेम प्रॉपरली यहाँ पर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आएगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्या आएगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, ये एक बॉक्स के अंदर है सर। फिर इसके अलावा दो और आएंगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ओके, और लास्ट में आप लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला वाला इजी था, इसके अंदर ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला थोड़ा टफ था क्योंकि टेक्स्ट बुक के 20 से आया था। लास्ट के ब्रीफ इजी पूछे गए थे, विच डिसीजंस ऑफ द कोर्ट हैज़ रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, वाई मूमेंट्स नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। पेपर काफ़ी इजी था, अगर आप लोग ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे और स्टडी किए थे तो यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स ईयर। बस आप लोग ये ऑब्जेक्टिव्स चेक कर लीजिए जो जो अभी डिस्कस किए गए, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे मार्क्स कट तो नहीं हुए, देन यू कैन स्कोर इजीली 40 और 39 मार्क्स एटलीस्ट।